डॉल्फिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्यारे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू द डॉल्फिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आसिम। बच्चों, आज मैं ये ले रहा हूँ लेसन नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज नंबर सेकंड। बच्चों मुझे माफ करना, मैं आज बोर्ड पे इसको समझा नहीं पाऊंगा। ये जो है, ये जो पूरी एक्सरसाइज सेकंड है, इसको मैं यहाँ पे लाके फिर आपको समझा पाऊंगा, आपको अच्छा समझ में आएगा। बच्चों जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं, ये एक्सरसाइज नंबर सेकंड है। रीड द एबेकस एंड राइट द नंबर। इनको देखना है आपको और नंबर को राइट करना है। जैसे देखिए बच्चों, ये जो वन है इसके अंदर देखिए कितने हो रहे हैं, गिनो, 1 2 3 4। तो बच्चों यहाँ 4 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों टेंस में देखो, 1 2, यहाँ 2 आएगा बच्चों। फिर 100 में 1 2 3, यहाँ 3 आ जाएगा। 1000 में 1 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और 10,000 में 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 1, 10, 100 कॉमन। इसको अपन ऐसे पढ़ सकते हैं, 12,324। कैसे किया बच्चों, समझ में आया? 1 के आगे देखिए, 1 2 3 4, 4 लिख दिया। टेंस में 2 2 लिख दिया, इधर से स्टार्ट करना है। 100 में 1 2 3, तो 3 लिख दिया। 1000 में 2 और 10,000 में 1। ऐसे ही बच्चों इसको भी क्लियर करेंगे। देखो आपको समझ में आ रहा होगा, वंस में आ रहा है 1, तो यहाँ पे अपन 1 लिख देते हैं। टेंस में 1 2 3 4, तो 4 आ जाएगा। 100 में 1, 1000 में 4, 10,000 में 1 2 3 4 5, 1, 10, 100, 54,141। अच्छा, इसको और देखिए बच्चों, वंस में है 1 2 3 4, तो यहाँ बच्चों अपन 4 लिख देंगे। टेंस में 1 2 3, तो टेंस में 3 आएगा बच्चों। 100 में 1 2 3 4 5 6, तो ये 100 में 6 आ जाएगा। अच्छा, 1000 में देखिए बच्चों, कुछ है ही नहीं, तो 0 लिख देना। और 10,000 में 1 है, तो ये 1, 1, 10, 100, 10,634। ये नंबर्स अपने को ऐसे राइट करना है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, रीड द एबेकस एंड राइट द नंबर। इनको वैसे जैसे अपन ने इनको रीड किया, वैसे इसको रीड करना है और नंबर को राइट करना है। देखिए बच्चों, मैं थोड़ा जूम ले लेता हूँ उसको। ये लीजिए बच्चों। हाँ, अब देखिए बच्चों, ए वाला, ये ए, इसमें देखिए बच्चों, वंस में कितने हैं गिनो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये वंस में 9 लिखना है बच्चों। अच्छा, टेंस में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टेंस में 8 लिखेंगे बच्चों। 100 में 2 है, 1000 में 1 2 3 4 5 6, ये 1000 में 6 लिखेंगे बच्चों। 10,000 में 3, ये 3 लिखेंगे बच्चों। और लेख में 1 आ रहा, तो 1। अब इसको रीड कैसे करेंगे वो भी देख लो, एक बार समझा देता हूँ। 1, 10, 100 कोमा लग जाएगा, 1000, 10,000 कोमा लगेगा। 1,36,289, ये वंस अगेन, 1,36,289। इसी प्रकार बच्चों आपको इसको भी सोल्व करना है और इसको भी सोल्व करना है। आप एक काम करना बच्चों, देखो मैंने तो पेन से इनको बनाया है सारा, बट आपको पेन से नहीं बनाना है, आपको पेंसिल से इन नंबर्स को लिखना है। और उसके बाद पेंसिल से उसके बाद वापस आप चाहें तो इनको इरेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इरेजर। तो आप जो है पेंसिल की सहायता से इनको लिखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर डी देखिए बच्चों, डी भी यही है, पर ये 10 लेख तक जा रहा है। जैसे वंस में 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। टेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक बार और काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टेंस में 9 आ जाएगा बच्चों। अच्छा, 100 में 1 2 3 4, 1000 में 2, 10,000 में 1 2 3 4 5 6, लेख में 1,
और 10 लेग में आ जाएगा 4। अब इसको काउंट कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए, बोलेंगे कैसे, इनको रीड कैसे करेंगे वो देखिए। 1 10 100 कोमा 1000 10000 कोमा लेग 10 लेग, इट मीन 41 लेग 62495। वंस अगेन 1 10 100 1000 10000 लेख 10 लेख 41 लेख 62495। तो बच्चों इनको आपको पूरे को फील करना है, यहाँ से ये सारे फील करने हैं, ये सारे फील करने हैं। अब देखिए बच्चों, अब आपके जैसे ये 10 लेख बताया, अब उसके आगे ये करोड़ तक चला जाता है। देखिए वंस में क्या आ रहा है, जो देखिए 1 10 100 1 2 3 1 यहाँ 3 आएगा बच्चों, सॉरी ये नीचे लिख देता हूँ मैं। वंस में 3 आएगा, टेंस में आ जाएगा 1, 100 में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 1000 में आ जाएगा 1 2 3 4, 10000 में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, लेख में आ जाएगा 2 और 10 लेख में आ जाएगा 1 2 3 4 5, और ये करोड़ में चला गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको ऐसे काउंट करेंगे 1 10 100 कोमा 1000 10000 कोमा लेख 10 लेख कोमा करोड़ 1 10 100 कोमा लेख 1000 10000 कोमा लेख 10 लेख करोड़ 1 10 100 कोमा 1000 10000 कोमा लेख 10 लेख कोमा करोड़ 9 करोड़ 52 लेख 74,813। ये इसको रीड करना है बच्चों, इसमें आपको वैसे रीड नहीं करना है, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो नंबर्स हैं ये ऐसे होते हैं। अब देखिए इसमें कितने डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं 5 डिजिट नंबर। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, 5 डिजिट नंबर, ये सारे 5 डिजिट नंबर है। अब इसमें देखिए 1 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं 6 डिजिट नंबर। अच्छा ये इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसको बोलते हैं 7 डिजिट नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बोलेंगे बच्चों 8 डिजिट नंबर। तो बच्चों अभी आपने एक्सरसाइज नंबर सेकंड देखी है, लेसन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज सेकंड। अब अपन रीड करेंगे एक्सरसाइज थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत इजी है। राइट द नंबर नेम इन इंडियन सिस्टम। देखो बच्चों जो नंबर होता है उनको राइट करने का एक तो होता है इंडियन सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम जो इंडिया के आउटसाइड चलता है। जैसे कि इंडियन सिस्टम ये होता है बच्चों 1 10 100 1000 10000, और जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है बच्चों उसमें ये होता है 1 10 100 1000 10000 100000, ये ऐसे ये सिस्टम चलते हैं। तो बच्चों अपने को इसको इंडियन सिस्टम में लिखना है। इंडियन सिस्टम कैसे बच्चों, देखो इसका बहुत सिंपल है, देखिए बच्चों 1 10 100 1000 10000, इट मीन्स ये हो गया 53,125। एक बार वापस देखिए बच्चों 1 10 100 1000 10000 53,125। यह लिख देता हूँ बच्चों, इसको बच्चों वापस देखो 1 10 100 1000 10000 लेख, वापस देखिए 1 10
हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लेक, इट मीन्स वन लेक, 87,819, वन लेक, 87,819, वापस देखिए, वन लेक, 87, थाउजेंड, 800, नाइनटीन, तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट द नंबर नेम इन इंटरनेशनल सिस्टम। बच्चों आपको ये अगर इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम समझना है और अच्छे से समझना, तो बच्चों एक पहले मैंने एक वीडियो डाला था, वीडियो अपलोड किया था, फोर्थ क्लास का है या थर्ड क्लास का है ये मुझे नहीं याद, बट इसके अंदर एक वीडियो अपलोड किया हुआ मैंने, तो मैं इसके अंदर लिंक सेंड कर दूँ आपको, वो वीडियो आप जरूर देखें। उस वीडियो के अंदर आपको इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम के बारे में बहुत ही आराम से और अच्छे तरीके से समझाया गया है। इस बुक में आपके दो दो एग्जाम्पल्स हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चों कि इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। अब इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था, वन टेंथ हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, उसके बाद आता है मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, बच्चों ये ऐसे चलता है, बट आपके इतना आगे नहीं जाएगा, केवल इतना सा है। देखिए बच्चों, वन टेंथ हंड्रेड कोमा, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, इसका मतलब आपको ये ऐसे पढ़ना पड़ेगा, जैसे अगर मान लिया ये इंडियन सिस्टम में होता तो आप क्या पढ़ते, वन टेन हंड्रेड को थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लेख, फोर लेख, ट्वेल्व थाउजेंड, तो इंटरनेशनल सिस्टम में लेख नहीं होता है, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, ये ऐसे, वन टेन हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, इट मीन्स 412,000, ये इसे लिखेंगे बच्चों। फोर हंड्रेड ट्वेल्व थाउजेंड, 351, फोर हंड्रेड ट्वेल्व थाउजेंड, 351, ये आपके इंटरनेशनल सिस्टम है। अब इसको देखिए, इसमें क्या आएगा, वन टेन हंड्रेड कोमा, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, और उसके बाद आ जाता है मिलियन, उसके बाद आ जाता है मिलियन, आ जाता है उसके बाद बच्चों। अब इसको देखो कैसे क्या लिखते हैं, जो देखना एक बार, थ्री मिलियन, नाइन हंड्रेड नाइन्टी थ्री थाउजेंड, नाइन हंड्रेड नाइन्टी थ्री थाउजेंड, फोर हंड्रेड फिफ्टी सेवन, फोर हंड्रेड फिफ्टी सेवन, वंस अगेन बच्चों, वन टेन हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, इट मीन्स थ्री मिलियन, थ्री मिलियन, नाइन हंड्रेड नाइन्टी थ्री थाउजेंड, नाइन हंड्रेड नाइन्टी थ्री थाउजेंड, फोर हंड्रेड फिफ्टी सेवन, फोर हंड्रेड फिफ्टी सेवन। बच्चों इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, उस वीडियो को बच्चों आप जरूर देखना, उसके अंदर
जो आपके जो ये नंबर्स हैं, इंडियन सिस्टम का भी बहुत अच्छा समझाया गया है और इंटरनेशनल सिस्टम का भी बहुत बहुत अच्छा समझाया गया है। बच्चों उस वीडियो को जरूर जरूर देखना, लिंक आपके व्हाट्सएप पे हम सेंड कर देंगे। उसके बाद फिर आप इसको भी देख सकते हैं और इसका SW आपको कर लेना है। SW करके पिक सेंड करके व्हाट्सएप पे अपलोड कर देनी है, व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। बच्चों हम चेक करेंगे, जरूर चेक करेंगे, और आपको कहीं डाउट हो, वैसे मैं डाउट तो रखता नहीं हूँ बट फिर भी अगर डाउट हो आप निश्चित रूप से मुझे चाहे तो पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी डाल सकते हैं और पर्सनली भी मेरे को आप व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं, मैं जरूर जरूर आपको। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर। अपने को नंबर राइट करना है तो आपको मेरे हिसाब से आता ही होगा। जैसे 3 का 8,99,000 8,99,412 बच्चों इसके नंबर्स बनाने और इंडियन सिस्टम के अनुसार कोमाज लगाना है। कहाँ हाँ कोमा लगेगा। देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन बताता हूं मैं। 8,99,000 आप चाहें इसकी आप टेबल बना सकते हैं, उससे और अच्छा समझ में आएगा। ये ऐसे कॉलम्स बना लीजिए, ये ऐसे कर लेना है, क्या लिख देना है 1,10,100,000,10,000,00,000। कहां से शुरू करें है ना बच्चों, वापस देख लीजिए 1,10,100,000,10,000,00,000। 8,00,000 ये जो लेख है इसके कॉलम में लिखेंगे 8। ये 8,00,000 का काम खत्म बच्चों। अब आ रहा है 99,000 तो 1,000 के कॉलम में 99 लिखना है। ये 1,000 ये दोनों 1,000 के कॉलम में 1,000 और 10,000 क्या लिखना है बच्चों 99 तो यहाँ लिखेंगे 99,000 400 के कॉलम में 4 लिखेंगे और उसके बाद 12 10 4 जो 1 से इसके नंबर में 12 लिख देंगे। यहाँ पर अपन इसके कॉलम में 12 लिख देंगे। एक बार और देख लीजिए बच्चों क्या किया मैंने। एट लेख कहाँ लिखेंगे बच्चों इसके कॉलम में 99,000 कहाँ लिखेंगे इन दोनों कॉलम में ये 99 400 के कॉलम में लिखेंगे 4 और 12 इन दोनों के कॉलम में लिखेंगे 12। इट मीन्स इसको कैसे सेट कर सकते हैं 8,99,4,1,2। अब इसको कोमा भी लगाने इसमें कहा है इसके अंदर कहा गया है कि कोमा भी लगाइए। अब कोमा कैसे लगाएंगे बच्चों देखिए 1,10,100,1,000,10,000,00,000। एक बार और देखिए बच्चों 1,10,100,1,000,10,000,00,000। कैसे पढ़ेंगे 8,99,412 ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 उसका क्वेश्चन नंबर ए हुआ है। अब इसके अंदर देखिए ए बी सी डी है, उसमें से बच्चों में एक और समझा देता हूँ, बाकी दो आप खुद सोल्व करेंगे। नहीं आएगा तो आप पूछ लेना, मैं निश्चित रूप से वापस आपको समझा दूंगा, सॉल्यूशन भेज दूंगा व्हाट्सएप पे अगर आपको नहीं आता तो। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर मैं ले लेता हूँ, सी वाला और ले लेता हूँ। अब इसमें क्या लिखा हुआ देखिए 235,000
235,469. तो बच्चों इसको लिखना है, तो जो पहले था वो इंडियन सिस्टम था, ये है बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम। अब मुझे कैसे पता चला 235,000 में तो 100 इंटरनेशनल सिस्टम पे भी जाता है। बच्चों वो वीडियो जरूर देखना जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वो आपके YouTube पे अपलोड है, मैं उसका लिंक सेंड कर दूंगा, वो वीडियो आपको जरूर जरूर देखना है बच्चों। देखिए 200, तो पहले इसका कॉलम बना लीजिए ये से। अब जो कॉलम बनाएंगे वो इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार 1, 10, 100, 1000, 10,000 और ये कॉलम बन जाएगा 100,000 का। लेख का नहीं बनेगा, लेख तो इंडियन सिस्टम है, इसमें 100,000 आ रहा है। अब ये कह रहा है 235,000, तो ये तीनों कॉलम 1000 के, यहाँ लिखना है 235, लिखना था 235,000, 469। अब यहाँ लिखेंगे इसमें 469, अब इसको ऐसे लिख लेंगे 2, 3, 5, 4, 6, 9, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, ये बच्चों आपके आंसर। ये आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड का हो गया सी, क्वेश्चन नंबर सी ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये आपके जो इसके अंदर एक्सरसाइज थर्ड है, इसका एक क्वेश्चन और रह गया, उसके बाद एक्सरसाइज फोर, एक्सरसाइज फिफ्थ, ठीक है, एक्सरसाइज सिक्स, एक्सरसाइज सेवन, काफी बड़ा चैप्टर है। तो ये यहाँ तक अपन ने क्वेश्चन नंबर फोर देखा है, अब अपन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में चलते हैं, थर्ड देखा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में चलते हैं कि वो क्या कहता है। ये एक्सरसाइज नंबर थ्री का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 7 digit नंबर बोथ फिगर एंड इन वर्ड्स, इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए क्या कह रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 7 digit नंबर, आपको स्मॉलेस्ट 7 digit नंबर लिखनी है, ग्रेटेस्ट 7 digit नंबर लिखनी है। तो पहले तो स्मॉलेस्ट नंबर बता दूं क्या होता है, स्मॉलेस्ट 1 digit नंबर 1 होती है, स्मॉलेस्ट 2 digit नंबर 10 होगी, स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर 100 होगी। अच्छा, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को साथ में लेते हुए चलते हैं, एक बार इसकी मैं आपको टेबल बना देता हूँ, पहले भी बनाई हुई है, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट 1 digit नंबर, स्मॉलेस्ट 1 digit नेचुरल नंबर 1 होगी, ग्रेटेस्ट होती है 9, स्मॉलेस्ट 2 digit नंबर 10 होगी, 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 digit, जिसमें 2 digit हो और जो सबसे छोटी हो। अच्छा, ग्रेटेस्ट 2 digit नंबर 99, यानी जिसमें 2 digit आता है, जैसे 25, 36, 47, ये सारी 2 digit नंबर है। तो स्मॉलेस्ट जो होती है ना वो 10 होती है, 10 से पहले तो 9 आ जाता है जो 1 digit होता है। तो स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी 2 digit नंबर 10 होती है,
और जो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होगी वो 99, उसके बाद 100 आ जाता है, 100 इज द 3 डिजिट नंबर। हाँ अब देखिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगी, सोचो 3 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट। नहीं आया? देखिए दिमाग जोर डालो, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगी 100, उसे जस्ट पहले तो फिर 99 तो 2 डिजिट हो जाते हैं, तो सबसे छोटी 3 डिजिट नंबर 100 होती है। अच्छा सबसे बड़ी 3 डिजिट नंबर 999। अच्छा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 और ग्रेटेस्ट 9999। तो ये फंडा समझ में आया होगा बच्चों। अच्छा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 10000 और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ये होगी ना 99999। अच्छा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर 1 लाख और ग्रेटेस्ट इसमें 1 9 और जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा, 1600, 9,99,999। अपन बात कर रहे हैं बच्चों 7 डिजिट नंबर की, कौन से डिजिट नंबर की, 7। आपको स्मॉलेस्ट में समझ में आया होगा और ग्रेटेस्ट में समझ में आया होगा, ग्रेटेस्ट में केवल 9 आता है, स्मॉलेस्ट में 1 आके फिर 0 0 लग जाते हैं। तो अब देखिए बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चों ये सॉल्यूशन। सबसे पहले स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, पहले आप ये लिख देंगे द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, क्या होगी बच्चों स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, 1 लगाना है उसके आगे 6 0 लगा देना, 1 10 100, 1000 10000, 100000। ये मैंने इंटरनेशनल सिस्टम में बोला है, पहले काउंट कर लो डिजिट को कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट हो गई और ये 7 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटी 6 डिजिट नंबर, सॉरी 7 डिजिट नंबर। अच्छा अब इसको बॉथ वे में लिखो, बॉथ फिगर में लिखना है, यानी इसको इंडियन सिस्टम में भी समझाना है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी समझाना है। तो अपन ऐसा करते हैं द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर फिर लिखेंगे इन इंडियन सिस्टम। अब इंडियन सिस्टम में क्या बोलेंगे इसको, इसको वापस लिखिए एक बार, री राइट 1 10 100 1000 10000 100000, ये 0 और आ जाएगा, 1 10 100 1000 10000 लेख 10 लेख। स्मॉलेस्ट जो 7 डिजिट नंबर है उनको इंडियन सिस्टम में बोलते हैं 10 लेख, क्या बोला जाता है बच्चों, या लिख देता हूँ 10 लेख। अच्छा इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में पहले इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 10 100 कोमा 1000 10000 100000 कोमा मिलियन, इसको बोलते हैं बच्चों 1 मिलियन, क्या बोलेंगे 1 मिलियन। तो बच्चों ये स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर की बात हो गई बच्चों, इंडियन सिस्टम में भी लिख दिया है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिख दिया। अच्छा अब अपन लार्जेस्ट की बात कर लेते हैं, ये इसके नीचे लिखेंगे आप बच्चों, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, जैसे मुझे चाहिए वैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, या लिख देता हूँ द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर। अब जो लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर है इंडियन सिस्टम में, पहले तो आप ये देखिए बच्चों जो लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर होगी वो ये होगी, ये लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर होगी।
अब इसको इंडियन सिस्टम में कैसे लिखेंगे बच्चों, पहले इसको लिख देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसका इंडियन सिस्टम बनाते हैं। 1, 10, 100, 1,000, 10,000, lakh, 10 lakh। इसको बोलेंगे बच्चों 99,99,999।99,99,000, 99,99,900 99। ये आपके इंडियन सिस्टम में हो गया बच्चों। अब आप इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ लो। इंटरनेशनल सिस्टम में बच्चों पहले तो उसको लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, और इसको पढ़ेंगे मिलियन। तो बच्चों ये मैं आपको आपके ऊपर छोड़े जा रहा हूँ। 9,999,999। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज नंबर 3। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और इसका SW टिक खींच के जरूर भेजना। थैंक यू बच्चों।